इथियान ना सिर्फ इंसेक्टिसाइड बल्कि माइटीसाइड व एसाइडीसाइड भी है, अर्थात यह कीट पतंग और सुंडी को मारने के साथ साथ घुन व मकड़ी को भी मारने का काम करता है। कुल मिलाकर इथियान धान में लगने वाले पेनिकल माइट के लिए एक बेहतरीन दवा है, जो धान में लगे हुए माइट को मारने के साथ साथ कई अन्य प्रकार के कीटों को भी मारने का काम करेगा। इसका प्रयोग धान के अतिरिक्त कई अन्य फसलों में भी किया जाता है, जो कि आप आगे की वीडियो में जानेंगे। इथियान ऑर्गेनोफॉस्फेट परिवार का कीटनाशक है, जो 50% इमल्सिफिएबल कॉन्सेंट्रेट के रूप में हमें मिलता है। इथियान कीट माइट स्केल थ्रिप्स बीटल्स और लेप्टोडोप्टेरस लार्वा के एसिटाइल कोलिनेस्टेरेस में अवरोध उत्पन्न करके उन्हें मारने का काम करता है। अगर आपको यह समझ में नहीं आया, मतलब एसिटाइल कोलिनेस्टेरेस से मारने की विधि आपको समझ में नहीं आई है, तो सिंपल सी भाषा में इतना जानिए कि इथियान कीटों के तंत्रिका तंत्र से उन्हें मारने का काम करता है। एसिटाइल कोलिनेस्टेरेस तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है। इथियान कीटों को मारने के साथ साथ उनके अंडों के अंदर पल रहे बच्चे को भी मार करके खत्म कर देती है। इसकी संगतता को देखा जाए तो लगभग सभी प्रकार के कीटनाशकों के साथ संगत है, लेकिन कुछ ऐसे कीटनाशक होते हैं जिनमें क्षारीय गुण पाया जाता है, तो उनके लिए संगत नहीं है। अगर ऐसे क्षारीय गुण वाले कीटनाशक के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। आमतौर पर इसका प्रयोग सभी फसलों में 500 ml प्रति एकड़ का है, लेकिन कुछ फसलों के लिए स्पेशल डोज रिकमेंडेड है, जो मैं आपको वेटिंग पीरियड के साथ बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इथियान का प्रयोग ऐसी मशीन से करना है जिसमें हालोकोन नाजिल लगी हुई है। अब मैं आपके लिए डिस्प्ले करता हूं स्पेशल डोज की टेबल। फसल होगी चाय की, कीट होगा पीला घुन, गुलाबी घुन और चूरदार। दवा की मात्रा 200 ml, पानी की मात्रा 200 से 400 लीटर। प्रतीक्षा की अवधि आपको मिलेगी 3 दिन के लिए। कपास की सफेद मक्खी व सुंडी को मारने के लिए 600 से 800 ml दवा का प्रयोग करना है 200 से 400 लीटर पानी में। नियंत्रण की अवधि मिलेगी 25 दिन के लिए। मिर्च के घुन व चूरदा को मारने के लिए 600 ml दवा का प्रयोग 200 से 400 लीटर पानी में करना है। प्रतीक्षा की अवधि मिलेगी 5 दिन के लिए। सोयाबीन के गिरदर बीटल को मारने के लिए 600 ml दवा का प्रयोग 200 से 400 लीटर पानी में करना है। प्रतीक्षा की अवधि आपको मिलेगी, यानी नियंत्रण की अवधि मिलेगी 30 दिन के लिए। चना व काबुली मटर के फली छेदक के लिए 400 से 600 ml दवा का प्रयोग करना है 200 से 400 लीटर पानी में। प्रतीक्षा की अवधि मिलेगी 21 दिन के लिए। बात करें अगर इसके टॉक्सिसिटी लेवल की, तो ये येलो लेवल की दवा है। अब बात करते हैं इसके मार्केटिंग नेम व निर्माता कंपनियों की, तो HPM से इथोहिट, PI से फास्माइट, टाटा रैलीज से टेफेथियन, हेरनाबा से हेरान, स्वाल से मिट 505, नेशनल पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स से मिथियन 505, इंडोसेल से सेलमाइट, यूनाइटेड इंसेक्टिसाइड से इथियन EC, शक्तिमान एग्रो से डायनामाइट, श्री रसायन उद्योग से रसमाइट 50 के नाम से आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त भी मार्केट में आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आज की इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।